दोस्तों कश्मीर से बाहर डोली की टपरी जिनके पास लास्ट टाइम बिल गेट्स आए थे उन्होंने चाय पी थी, और कश्मीर के अंदर हमारे रॉक स्टार चचा जिनके पास रणवीर कपूर आए थे वो यहाँ ही था, फिल्म बनाते थे जी। उसने दो तीन बार मेरे पास चाय पिया। अच्छा, उसको मजा आ गया जी, बोला चलो हमारे साथ चंदनवाड़ी में चाय बना के दे दो। फिर दुकान ले गया उसने वही गाड़ी में जी, चाय दे दिया मैंने वो वही। अरे वाह, ये दुकान आप लेके उधर फिर चले गए? उसी ने ले गया गाड़ी, अपना गाड़ी में, थोड़ा भी यही अपना गाड़ी में। चल जी, हम जब भी देखते हैं यहाँ से आते जाते हैं तो भाई यहाँ पे ना भीड़ लगी होती है इरफान भाई के चचा के पास, जो भी आते हैं यहाँ पे सेल्फियां लेते हैं। आप डोली की टपरी को तो देखते होंगे, उससे कम नहीं है कश्मीर के अंदर हमारे रॉकस्टार चचा। और रॉकस्टार कहाँ से नाम पड़ा चचा आपका? वो जिस वक्त मैंने उसको चाय बना के दे दिया जी, वो फिल्म भी था ना रॉकस्टार वाला जी, इसीलिए हमको वो सारा बोलते हैं रॉकस्टार चचा। रॉकस्टार घर पे किस नाम से बुलाते हैं? मोहम्मद मकबूल है। अच्छा, तो जो बाहर से आते हैं हमारी तरह लोग टूरिस्ट वाला वो ढूंढते हैं रॉकस्टार चाय वाला कहाँ है। अरे वाह, क्या बात है, लज्जत होगी आपकी चाय में, है ना? सारा बढ़िया पीते हैं हर किसी को। क्या बात है, पिलाओ जरा हमें चाय भी बनाओ और अपनी स्टोरी भी बताओ कि कैसे स्टार्ट किया आपने ये चाय, कितना टाइम हो गया? 50 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, 50 साल से ऊपर हो गया? ऊपर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अंकल सोचा नहीं कभी इसको अपग्रेड करने का या रेस्टोरेंट खोलने का या कुछ ज्यादा करने का? मैं तो खोलेगा, वो उतना पैसा होना चाहिए जी। हमने मेरे गरीब हिसाब से अपना ये छोटा मोटा दुकान भी खुला है, इसी में गुजारा करते हैं। अच्छा, मतलब पिछले 50 साल खुश रहते हो? बिल्कुल शुक्र है ना। जो भी यहाँ पे आते हैं आप वीडियो बनाने के लिए आए, चाय पीने के लिए आए ना आए, हंस के तो बात करते हैं आप। आपने देखा ना कैसा खुश हो गए सारा जी, अचानक आपने देखा सारा ने फोटो खींचा मेरे को जी। कोई चाय पी के बहुत खुश होते हैं, मतलब आप समझो आप एक सेलिब्रिटी से कम नहीं हो, यहाँ पे चाय बेचने बैठे हो तो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। मतलब जो लोग किसी के साथ फोटो खींच रहे हो तो वो ऐसे खींचते नहीं है, है ना? इनको तो पता भी नहीं था, वैसे वो आपको दिल से चाह रहे थे, है ना? फिर मैंने इनको बताया कि रॉक स्टार मूवी में काम कर चुके हैं चाचा। वही बात है मेरा, मतलब आपने खुद भी देखा किस तरीके से इसने चाय मेरे पास किया जी, कितना फोटो इसने उठाया मेरे को जी। उनको आप चाय पिलाई थी, कितना टाइम हो गया जिस वक्त शूटिंग था? टाइम कितना हो गया? ऊपर 15 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, 15 साल से ऊपर। तो आपकी लोकेशन यही रहती है अंकल जहाँ पे आप बैठते हो? रॉक स्टार तो कहीं दिख नहीं रहा, रॉक स्टार तो आप है ही वैसे। चलो चाय होगी रेडी अंकल? तैयार है। तैयार है, पिलाओ हमें चाय अपने हाथ का जायका। ये लो भाई, नॉर्मली रहती है जो हर एक मतलब दुकान पे हमें मिल जाती है, बट अंकल के जो हाथ का स्वाद है ना वो डिफरेंट बनाता है इसको। देखो बियर कितना लगते हैं, खुद देखा अचानक जी। बड़ा होटल को ऐसा डिमांड नहीं होते जितना मेरे को चाय चाहते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है जी। पीते हैं जी हम चाय और टेस्ट करते हैं चाय का कैसा रहता है चाय का टेस्ट। भाई डोली की टपरी की चाय है ना भाई, उससे ज्यादा फेमस है हमारे कश्मीर के अंदर चचा चाय वाले, जिनको रॉक स्टार के नाम से जाना जाता है कश्मीर के अंदर। एक सिप लेते हैं चाय की, आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट क्या डिफरेंट टेस्ट है कि चचा को इतने लोग पसंद करते हैं। कड़क है, पत्ती का जो टेस्ट है वो अलग है, मतलब कड़क है चाय, कड़क है, बहुत कड़क है। और चचा से मिलो, सच्ची में दिल को खुशी होगी कि ऐसे लोग भी हैं हमारे यहाँ कश्मीर के अंदर खासकर, क्योंकि चचा जो यहाँ पे जो भी आता है ना उससे हंस के बात करते हैं, और जो भी लोग यहाँ से आते जाते रहते ना भाई तो इनके साथ सेल्फीज फोटोज लेते जाते रहते हैं, खासकर टूरिस्ट। और हम भी अभी लेंगे वीडियो। आपको कैसी लगी? चचा से हम लोकेशन पूछ लेते हैं कि कहाँ पे आना पड़ेगा ये चाय पीने। चचा कहाँ पे आना पड़ेगा ये चाय पीने हमें? ये जगह का नाम है ब्रेन क्रॉल संगरी। यहीं पे चचा किसी दिन ऑफ रहता है? आपका दुकान बंद रहती है कभी? किसी दिन जिस वक्त मैं बीमार उमर होता बाकी खुला रहता है। बाकी खुला रहता है हमेशा, चाहे हड़ताल है कर्फ्यू हो कुछ भी हो मैं यहीं हूं। अरे भाई आ जाओ जल्दी से और हमें बताओ को आपको चचा के हाथों के चाय का टेस्ट कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्यार दीजिएगा अपने भाई को, फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।